खड़े हो जाओ, अरे खड़े हो जाओ। हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है और लड्डू को देखो कहाँ घूम रहे हैं। मामा का तो ये देखो दोस्तों, देने के लिए तो ये फर्स्ट है। हल्की हल्की ना धूप बस रखी है बस। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं भी तो आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अभी हो रही है मॉर्निंग के टाइम है करीब 7:30 और मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। तो और मैंने कल शाम के बर्तन नहीं धोए थे क्योंकि लेट हो गए थे, तो मैंने वो धो दिए हैं और अभी है झाड़ू पोछा लगाने की बारी। तो दोस्तों, अब मैं करती हूँ अपना काम फटाफट से। पहले करती हूँ झाड़ू पोछा क्योंकि ना आरू भी अभी सो रखी है, तो फटाफट मेरा काम हो जाएगा। और नाश्ता तो मम्मी ने बना ही लिया है क्योंकि ना नेपाली भाई लोगों को भी देना होता है नाश्ता, तो फटाफट से हम लोग सुबह बना लेते हैं नाश्ता वगैरह। तो दोस्तों, अब करते हैं अपना काम वगैरह फटाफट से और दिखाते रहूँगी आप लोगों को भी। मैं बीच बीच में मेरा सारा काम वगैरह तो हो गया है, अब बाकी बचा है आरू को नहलाना। और आरू भी ना उठ चुकी है, तो मैं इसको फटाफट से नहला लेती हूँ एक बार, और उसके बाद तो मेरा बाकी का काम बचता है जो वह इसके कपड़े वगैरह धुलना। बाकी मैंने तो अपने कपड़े वगैरह सुबह धुल दिए थे। तो दोस्तों, अब मैं फटाफट से आरू को नहलाती हूँ। तो दोस्तों, आरू को मैंने नहला दिया है और यहाँ पे आरू लेट चुकी है। उठ जाओ, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, अरे खड़े हो जाओ। छब्बा छम्मा कर दो, हम्मा कर दो, चलो नहीं करना है नैनू करनी है। देखो आरू का ना आज ये बहुत बड़ा हो रखा है क्योंकि ना पहाड़ों में ठंडा हो गया है, होना शुरू हो गया है शाम को, सुबह शाम, तो इसलिए मैंने आरू को वाली फुल बाजू वाली वो पहना दी है। वैसे तो फुल ही पहनती है लेकिन आज थोड़ा गर्म वाला पहना रखे है देखो अंदर से, ताकि बच्चे को ठंडा ना लगे करके। और दोस्तों, अब मैं करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट और खेलती हूँ थोड़ी देर आरू के साथ, फिर हो जाएगा खाना वगैरह बनाने का टाइम। हो गया है खाना वगैरह बनाने का टाइम और आज मैं खाने में बनाने जा रही हूँ दाल और चावल। तो दोस्तों, करते हैं फटाफट दाल चावल की तैयारी। और आज चटनी तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि ना चटनी में थोड़ा टाइम लगता है, तो आरू भी अभी उठी रखी है, सोई नहीं है, तो अगर सोती तो फिर बना लेती मैं चटनी फटाफट से, तो ये काम ही नहीं करने देती है, फिर बोलती है गोदी गोदी करती, तो उसके बाद मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ गोदी गोदी करती है। तो दोस्तों, अब मैं करती हूँ फटाफट से दाल चावल बनाने की तैयारी। तो हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है और लड्डू को देखो वहाँ घूम रही है। बाय बाय लड्डू, दो मामा को दो, दो मामा को दो। ये देखो दोस्तों, देने के लिए तो ये फर्स्ट है। देखो सारी चीज़ें ना दे देती है जो भी मांगता है। ले पकड़ो, लो पकड़ो, नहीं चाहिए। और इसने दोस्तों यहाँ पर देखो क्या हाल कर रखा है, पूरे कपड़ों का ये देखो कैसे फैला दिए इसने सारे खिलौने। यह इसकी हरकत है ये देखो। तो दोस्तों, अब खेलती हूँ मैं इसके साथ थोड़ी देर, या शायद से दूध पिएगी ये अभी। ये देखो इसकी शैतानियाँ, क्योंकि ना थोड़े टाइम हो ही गया इसको दूध पिए हुए, तो अब मैं इसके लिए पहले दूध गर्म करती हूँ फिर खेलूँगी इसके साथ। देखो इसकी शैतानियाँ दिन बढ़ते जा रही है ना, है ना। वो देखो देखो देखो, ये देखो कितनी गंदी लड़की है ना ये। बाय, मैं जा रही हूँ फिर, हाँ बाय। देखो इसकी कोशिश, देखो भाग दी उधर, देखो 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 दोस्तों चढ़ गई है ऊपर अपनी कोशिश से।
देखो आज इसने कितना लंबा जगुला बन रखा है। कौन लाया आपके लिए? पापा लाए ना। आ जाओ। हम लोग आ रखे हैं अभी छत पे और हल्की हल्की ना धूप बस रखी है, बस देखो हल्की फुल्की बस रखी है, बस सनसेट होने वाला है। और लोगों का ना काम ख़त्म भी हो गया है किसी किसी का, लेकिन किसी किसी का बचा हुआ है अभी भी। सब लोगों ने ना हमारे यहाँ पे घास काटने वाली मशीन लगा के सारा, मतलब जितना भी घास वगैरह था वो सब काट दिया है। अब किसी किसी का बच रखा है, और जो नीचे वो धान वगैरह दिख रहे हैं आपको, ये बच रखे हैं अब जो कि रुपाई वाले हैं। देखो ये बच रखे हैं रुपए वाले, और बाकी सारे काट दिए हैं, सारे खेत भी खाली हो गए हैं। बस सिर्फ धान बच रखे हैं जो रुपए वाले हैं, वो सही से हुए नहीं, अभी भी अच्छे से हो नहीं रखे हैं। जब होंगे अब सब लोग एक ही साथ काटेंगे, क्योंकि सबके सेम ही दिख रहे हैं ज़्यादा तक यहाँ से, तो अब वहाँ जाके पता नहीं कैसे हो रखे हैं। यहाँ से तो सबके सेम ही दिख रहे। और आरोग्य देखो सराहता ना, इतनी सराहता करती है ना। खड़े हो जाओ, क्यों कर रहे हो गंदगी बात, क्यों रख रहे हो, खड़े हो जाओ, चलो। नहीं, इसको लकड़ी पकड़ने का क्या शौक है? आप जब भी घूमने आती है ना, हमें सही लकड़ी पकड़ के पता नहीं क्या चलती रहती है, फेंकी फिर पकड़ी। तो उसको देखो अभी ना, यहाँ पे आम लोगों का घास तो बहुत सारा बच रखा है। देखो अभी ये धीरे धीरे करके काटेंगे, जब तक कि कुछ और चीज़ नहीं, मतलब इसमें बोने का टाइम हो जाता तब तक ये अपनी गायों को खिला सकते हैं हरा घास। तो दोस्तों हो गई है शाम, और बन गया है मेरा खाना वगैरह भी, और मम्मी लोग भी आ गए हैं खेत से। दोस्तों तो आरो तो घूम रही है इधर उधर, और ये घूम रहे हैं मेरे साथ में। देखो फिर से ये भी पहुंच गया घर पे। और दोस्तों आज ना तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब ही लग रही है मुझे अपनी। अब कल तो संडे हुआ, देखती हूँ मंडे को कहीं हॉस्पिटल ना जाना पड़ जाएगा, क्योंकि थोड़ी ख़राब जैसी लग रही है आज तबीयत, ये मच्छर आ गया इसलिए। और मच्छरों ने तो जीना आराम कर रखा है, इतना ठंडा हो रहा है पहाड़ में शाम को, मतलब शाम को और सुबह तो होने लग गया है यहाँ पर ठंडा, तब भी मच्छर छोड़ नहीं रहे हैं। और ना आज हमारे, मतलब जहाँ घास काट रहे थे मम्मी लोग, वहाँ के मांगे से ना किसी ने घास चोरी कर दिया है हमारे, तो प्यार खराब हो गई कि मम्मी ने जब बताया कि घास भी कौन करता है यार, दूसरे का चोरी हद है, छी घास के लिए भी क्या मरे रहते हो यार दूसरों के ना, मतलब क्यों रे, घास तो है ये बात, वही तो घास ही तो है, दूसरों का मेहनत है भाई, वो दूसरों की मेहनत छीनोगे ऐसे तुम्हारा भला होगा क्या, ये बताओ, भला तो मुश्किल ही है होना दूसरों का ऐसे चोरी करोगे, वो भी काटा हुआ बाधा हुआ घास लेके गया है। चलो काटना भी है तो एक बात थी, काटने लग देता कोई बात नहीं, दे देते उसको घास, हद है यार दोस्तों।